Nervous and I'm also at the same time very excited. I'm very happy for my friends, family, my followers who had wished this for me. I'm very excited and happy for them. I think you can see it on my face. I'm really, you know, I've never been like this on a red carpet. I'm always jumpy and joyous. Today I can't believe this is happening, and I'm emotional at the same time, and I'm very nervous at the same time. शादी के बाद मुझे यहाँ बुला लिया गया. सो आई थिंक चेंजेस ये आए कि आई हैव जस्ट गॉटन लकी. आई नो आई डोंट यूजुअली ड्रेस अप लाइक दिस. आज मैंने अपनी यहाँ के प्रेजेंस के लिए डिसाइड किया कि आई शुड वेयर समथिंग इन सिल्क एंड इंडियन अटायर, एंड माई होल लुक इज ब्रॉट टुगेदर बाई The whole look is brought together by Neha Advik Mahajan. Thank you. I am my upcoming projects are the ads and music videos that I keep doing, and what is upcoming every day is Kundli Bhagya. Okay. Anyone wants to ask anything, I can carry on. I know. बहुत अमेजिंग फील हो रहा है एक्चुअली. इतना प्रेस्टीजियस अवार्ड है और इन्हें मुझे कंसिडर किया है. आई फील ऑनर्ड, आई फील हम्बल्ड. हर एक्टर को, हर अभिनेता को ये बात बहुत पसंद आती है कि उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए, और जब ऐसा होता है तो बहुत अच्छा लगता है. सो आई एम फीलिंग अमेजिंग. अब मैं एक्टर हूँ तो एक्टर में ही होगा. आई डोंट नो द एग्जैक्ट कैटेगरी, बट एक्टर से ही रिलेटेड होगा. पहली बार आफ्टर लॉकडाउन दादा साहिब फाल्के अवार्ड मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज तक मुझे नहीं मिला है, और फर्स्ट टाइम मैं आई थिंक इस लेवल पे मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है. सो आई एम वेरी हैप्पी. राजन सर के साथ स्टार भारत के लिए कुछ कर रहा हूँ मैं, एंड फ्यू म्यूजिक वीडियोज हियर एंड देयर, और एक शॉर्ट फिल्म भी आ रही है. छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, होपफुली आपको आगे भी एंटरटेन करते रहेंगे. शॉर्ट फिल्म के बारे में सस्पेंस थ्रिलर कुछ अलग है. मैंने भी आज तक कोई ऐसा कैरेक्टर किया नहीं है, बहुत ग्रे शेड में है कैरेक्टर. मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट था, तो होपफुली लोगों को पसंद आएगा. जल्दी आई गेस कल उसका टीजर आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा. And the other project which I was talking about is Wo Toh Hai Albela. I'm very excited. I guess I'm in character right now. मैं occasion के हिसाब से dressed up नहीं हूँ, because directly shoot से आ रहा हूँ. So sorry for that. Yeah. Okay. Thank you. क्या बात है.
नहीं 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 अरे अरे डर गए थैंक यू आई थिंक आज तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है क्योंकि ये फिल्म हम सबकी है एक्चुअली बिकॉज वी टेक इन दिस स्टोरी एंड एवरीबडी फील्स आई थिंक जहाँ भी मैं जाती हूँ सभी को लगता है कि मैं कैप्टन विक्रम बत्रा मैं डिम्पल को जानती हूँ और वो जो अपनापन सा लगता है यू नो थ्रू अस पीपल हैव फेल्ट दैट विद फॉर देम सो लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड और इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड इतनी स्पेशल फिल्म के लिए मिलना इज जस्ट व्हाट टू से आई एम वेरी हैप्पी एंड जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत ही ज़्यादा आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑलवेज स्पेशल व्हेन यू गेट एन अवार्ड इट्स ऑलवेज मोटिवेटिंग एंड encouraging you know to be honored and with such a and be appreciated especially on such a prestigious platform lekin I think main bahut blessed hu ye mera second award hai dada sahab phalke se last year bhi hum sab baat kar rahe the for guilty aur is saal for shershah I think it's just it's very motivating I hope next year and the years to follow I keep being able to share my love with you through my work and receive that same love which I look forward to thank you arun thank you bas uske bare mein main kya batau bas aap log ke liye hi saj dhaj ke aayi hu aaj thank you ye bhi hamare ek aur hamari cast aa gayi hai भाई यहां पे आ जाओ ना थोड़ा भाई यहां पे आ जाओ ना और बस और दे दो ना थोड़ा और पीछे ना अरे यहां पे आ जाओ सर फाइनली यार थोड़ा इस तरफ आइए ना सामने सामने अरे राइट ऑन योर राइट वो तो क्या राइट वो तो भी हो सर सर किया रहा सर किया रहा सर किया रहा अपन योर राइट सर सर रूम सेंटर रूम सेंटर Hi once more very very happy birthday lots of love big hug good job थैंक यू सो मच Thank you. So they want to come.
Right. Right. Oh. Thank you. Yes, thank you so much. नहीं, बहुत ही इमोशनल और ओवरवेलमिंग मोमेंट है, और ये ऐसी पिक्चर के लिए जो मैंने कहा बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए. बहुत साल लगे इसको बनाने में, और एक ही कैप्टन विक्रम बत्रा है. और ये अगेन मैं अपने पूरी टीम को, हमारे डायरेक्टर विष्णुवर्धन जी, हमारे प्रोड्यूसर करण जौहर जी, अपूर्वा, कियारा अडवाणी, शबीर भाई एंड द कंप्लीट कास्ट एंड क्रू ऑफ शेरशाह, इन सब उनके लिए है. और चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू. चलो 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 चलो, आपको सब पता है. Also getting an award tonight. I feel very honored. I feel very grateful to be receiving an award as the most promising actress for Paglet. I think this is the biggest honor, and I'm so happy because my parents are here in town. They came all the way from Delhi today just to see me receiving this award. I feel extremely grateful. I feel really good. I feel very happy that slowly things are opening up. Obviously, we have to be very careful. Also, make sure that all of us are like following all the protocols. But otherwise, I feel very nice to be seeing all of you and meeting you guys in person. Zoom pe nahi ho raha hai, dekhkar khushi ho rahi hai. Hanji, hi. Kaise ho aap? Thank you, sir. 5 दिन में लव हॉस्टल रिलीज़ हो रही है Z5 पर, और 25th को मेरा बर्थडे भी है. थैंक यू. और 30th बर्थडे है, तो आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक लव हॉस्टल. आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट टू वर्क विद विक्रांत एंड बॉबी जी. ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी दैट दृश्यम एंड रेड चिलीज इज बैकिंग अ फिल्म लाइक Love Hostel. So I feel really grateful and happy. I'm really looking forward ki sab dekhenge, aur I'm just hoping sabko achhi lage. Haan, bahut acha raha. Haan, bahut acha experience raha, aur unki main fan hu, aur abhi tak hu. Kaam karne ke baad bhi wo fan wala cheez abhi tak gayi nahi hai. I hope chali jaye. Thank you.
दिस इज आई एम वेयरिंग शांतनु निखिल टुनाइट और आई एम वेरी फीलिंग वेरी हैप्पी रेड कार्पेट पे रेड गाउन रेड लहंगा सॉरी थैंक यू सो मच आई थिंक मुझे बहुत सालों बाद अपने करियर में एक ऐसा मौका मिला एक ऐसे किरदार को निभाने के लिए जो सिर्फ एक आइकॉनिक फिगर ही नहीं है लेकिन आई थिंक हर अभिनेत्री के लिए एक ड्रीम रोल है और लॉकडाउन में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी बहुत सारे रीजंस के लिए इस फिल्म के बारे में चर्चा हुई थी पहली बार थिएटर्स में फिल्म रिलीज़ हुई थी पहली फिल्म थी लॉकडाउन में शूट करने के लिए तो आई थिंक बेल बॉटम हैज़ हैड अ लॉट ऑफ फर्स्ट्स एंड आई होप कि इस साल के पहले अवार्ड फंक्शन में भी हम एक अवार्ड जीतें और जाएं एक नहीं कई अवार्ड जीतें और जाएं एंड या आई होप दैट आई कैन ऐड टू इट थैंक यू आप अनदर टाइम नॉट टुडे Hello. Hi. 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 How are you? Hi. How are you, sweetie? Thank you. Congratulations. Thank you. Good to meet you. Hello. Hello. Hi. Hi. How are you? Hi. How are you, sweetie? Congratulations. Thank you. Good to meet you. Hello. Thank you.
थैंक यू. बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए ये अवार्ड, क्योंकि जो दादा साहब फाल्के जो नेशनल अवार्ड्स हुए थे, अकेडमी अवार्ड्स, वो पापा ने जीता था. और पापा ने जीतने के बाद आज मुझे ये मिल रहा है, तो अच्छा है कि पापा जाते वक्त मैंने उनको बोला था, पापा आपने जीता है, मैं जीत रही हूँ. तो उन्होंने कहा हाँ, पहले मेरी मम्मी ने भी बोला कि पहले बाप ने जीता, अब बेटी जीत रही है. तो मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है. थैंक यू सो मच. मेरा लुक, मैं नेशनल, हमारे नेशनल आउटफिट में हूँ, साड़ी जो मुझे बहुत पसंद है, आई ऑलवेज लव. और बाकी मुझे नहीं पता मेरे लुक का. मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट KGF 2 रिलीज़ हो जाएगी, आई थिंक 14 अप्रैल को. मेहनत की है हमने, आई होप आप लोग को पसंद आए. थैंक यू. ओके हेलो हेलो हाय हाय हेलो जी. बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक ये एक अवार्ड शो है जिसमें काफ़ी हिस्ट्री है और बहुत ही प्रेस्टिजियस हस्ती के ऊपर है. तो वी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड प्रमोट सिनेमा एंड प्रमोट मूवी. जी 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 बहुत बड़ी गर्व की बात है. बहुत एक्साइटेड है हम एज ए टीम, हमारी पूरी शेरशाह टीम. आज हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है, और यहाँ पे जो हमारी पिक्चर को प्यार मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रही है, हम उससे चाहते हैं कि यार जो जितनी लोगों ने मेहनत करी है, आई विश माई डायरेक्टर वॉज हियर, हमारा पूरा क्रू होता, बाकी सब लोग होते, बट मैं हूँ और थोड़े और लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि उनकी मेहनत जो उन्होंने करी है, लोग उनको रियलाइज़ हो कि अच्छा काम किया और यहाँ पे लोग उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. शेरशाह जो कहानी थी, इससे मैं बहुत सालों से इन्वॉल्व था, और अब जब ऐसा रिजल्ट मिलता है तो आप बहुत खुश होते हो. तो आगे जाके गॉड विलिंग ऐसी और पिक्चरें करेंगे. कोशिश मेरी हमेशा यही रही है कि एक मजबूत कहानी के साथ एक अच्छा हीरोइक रोल करे. तो बट अगेन कैप्टन विक्रम बत्रा एक ही थे, तो उन पर ये कहानी बन गई है. अभी आगे देखते हैं किस पर बनती है. थैंक यू गाइस. चीयर्स. Thank you guys. Hang on, we'll be Yes, thank you so much. जी अरे मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए. जैसे आपने कहा मेरा पहला अवार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत ही खुश हूँ. जी 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 नेक्स्ट उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ. डेफिनेटली एक अनाउंसमेंट जल्दी देंगे. तो हाँ, अभी तक कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ आएगा. काफ़ी दो तीन पिक्चरें हैं, एक्शन रोमांटिक, तो जब अनाउंसमेंट देंगे तो आपको पता चलेगा. जी जी डेफिनेटली यू नो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है. तो यू नो टू विन इट एज माई फर्स्ट अवार्ड डेफिनेटली मीन्स अ लॉट टू मी. परफेक्ट. थैंक यू.
जी ब्लैक व्हाइट कॉम्बिनेशन नॉर्मल सूट परफेक्ट चलो थैंक यू अच्छा थैंक यू सो मच It's a really special moment because it's the best actor award and I think kabhi na kabhi aap soch rahe hote hai ki trophy aapke haath mein aayegi aur ab jab aayi hai I'm just speechless and I feel really grateful bahut zyada special hota hai kyunki itne saalon se chala aa raha hai and iski value bahut zyada hai mere liye and the way they give awards to so many different people from all the genres, be it television, web, movies, it's amazing to see that. And I always get inspired when I come here, when I see people. Sorry? Okay, so right now I'm shooting for Omi Aadha Janya series, the name is not yet out and I'm shooting for Vishal sir's Kutte, Asman is directing it and there are a few more projects which I've finished and I'm yet to start. All I can say is that I can promise you guys that you're gonna see me in different shades and I hope I'm able to entertain you and yeah that is it. Thank you. Well, it's an honor being here. It feels very special, and this is not just for me, but for the whole team. Puri team ne jo mehnat ki hai, jo sangharsh kiya hai, the sweat, blood, sweat and tears, aur bahut passionate the. So it's for them. It's their journey as well. So to Vivek, PD, and the whole team, part of this movie, I want to dedicate this to them. हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ यार इस आउटफिट पे और वेल टू रिस्पेक्ट दिस ओकेजन आई थिंक इट सूटेड इट एंड या आई फील गुड वेयरिंग इट दैट्स इट कॉमेडी अंदाज में आप में छोली फिल्म आ रही है 13th पे तो थिएटर्स में आएगी तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए थैंक यू मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि इतने प्रेस्टीजियस अवार्ड फंक्शन पे हमें हमारा ट्रेलर को डेब्यू करने मिला हमें हमारा टीज़र दिखाने मिला और शोकेस करने को मिला
तो मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल टू बी हियर. वो तो अभी आप पहले मेरी अभी शो रिलीज हुई है तो आप सब लोग आई रियली रियली होप मिथ्या को देखें और मेरी एक अनकन्वेंशनल जो स्टार्ट हुई है उसे पसंद करें. आई हैव लव्ड माई एक्सपीरियंस विद मिथ्या. आई कांट बी हैप्पियर टू हैव अ स्टार्ट लाइक दिस टू बी एबल टू मेक माई मार्क इन द इंडस्ट्री विद समथिंग सो एक्साइटिंग and with the lovely cast and crew that I've worked with. It's the month of love and I'm representing that. Thank you. बहुत ही बड़ा ऑनर है दैट मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है एंड एंड यू नो आई मीन आई फील लाइक मे बी आई हैव कम अ लॉन्ग वे इन माय करियर कि आज मुझे नॉमिनेट किया गया है मेरे एक अवार्ड के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए. सो वेरी लकी एंड थैंक यू. एक्चुअली एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है क्योंकि हम लोग इतना रोज़ बहुत मेहनत करते हैं. हम सब मेहनत करते हैं एंड एक्चुअली उसके लिए अगर आपको एक अप्रिसिएशन मिलता है एक अवार्ड मिलता है तो एक और पुश होती है. सो जो बहुत सी चीज़ें जो हमें लगता है कभी कभी कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है उसको यू नो उसको साइड में रख के फिर आगे बढ़ने की और एक हिम्मत आती है. एक्चुअली अभी मेरा जो एक गाना आया उस पर सारी दुनिया झूम रही है. पुष्पा में वो बोलेगा एंड अभी एक और जी के साथ रोल रोल एक सिंगल आया है जो अभी हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं एंड अगले महीने भी बहुत स्पेशल गाना आ रहा है एक बहुत स्पेशल मूवी में. नहीं बट बहुत ही स्पेशल मूवी है और बहुत ही स्पेशल गाना है. ये मेरे अपने लेबल का आउटफिट है. मैं लखनऊ की हूँ तो मैं चिकनकारी में डील करती हूँ बिकॉज हम लखनऊ की जो लड़कियाँ हैं उनको वर्कर्स को काम देते हैं. सो मैं अपने लेबल का आउटफिट पहनी हूँ. आपको यहाँ सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा. बोलेगा या बोलेगा साला? नहीं सुनाई देगा जी. बड़ा मज़ा आता है बिकॉज कुछ रील्स बड़े फनी होते हैं एंड स्पेशली अंकल जीज अपने रूम में जो पेट निकाल के यू नो डांस करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है देखकर. सो आई मीन आई थिंक इट्स अमेजिंग. आई थिंक हमारा जॉब बहुत ही स्पेशल है एंड भगवान ने हमें आवाज़ दी है यही बहुत बड़ी बात है. थैंक यू एंड आई होप यू वेल. Thank you.
Thank you. Best playback single female. अब आगे और ज़्यादा मेहनत करनी है जिससे कि और अमेजिंग गाने आए एंड आप लोग सब डांस करें. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू. यू नीड फोटोज हियर. यू नो कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था जब मैंने बताया कि दिस इज़ माय फर्स्ट बिग अवार्ड, फर्स्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड दैट आई एम गेटिंग इन माय एंटायर करियर ऑफ 22 इयर्स एक्चुअली. एंड 7 साल का ब्रेक बीच में नहीं काउंट करो तो 22 इयर्स होता है, लेकिन या सो दिस इज़ माय टेक्निकली माय फर्स्ट बिग recognition that I have gotten. बहुत अच्छा लग रहा है. Actually you feel very humble, you feel very overwhelmed and you feel very grateful to the makers, to all the people who are loving this show, to all the people who are supporting me, to my husband, my family. Because आप जब एक daily soap करते हो तो आपको family के लिए समय नहीं मिल पाता. And makers ने इतना भरोसा किया है. फैंस जो हैं वो सारे इतना प्यार देते हैं, रोज़ जो हौसला अफजाई करते हैं, इट जस्ट फील सो गुड ऑनर्ड. विश्वास नहीं होता, ऐसा लगता है कि कोई सपना देख रही हूँ और मैं इससे आई डोंट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस ड्रीम. मैं इस सपने से नहीं जागना चाहती. वो जो उनको पूछना था ना, राजन शाही जो गए उनसे पूछते, वो हमको एक एपिसोड के आगे तक का देते नहीं है. कहाँ गए वो, पूछो उनसे. वो हमको एक एपिसोड मैक्सिमम. आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड, उसके आगे किसी को कुछ पता नहीं होता. सारे फैंस के लिए आई थिंक ये अवार्ड सिर्फ ये टीम अनुपमा, टीम DKP, ये सब के बिहाफ पे, मेरी फैमिली, मेरे सारे जितने भी मेरे सेट पर जो लोग हैं, इस सब के बिहाफ पे मैंने ये अवार्ड लिया है. सिर्फ आप सब की दुआओं के वजह से, आप सब की ब्लेसिंग्स के वजह से, आप सब के आशीर्वाद के वजह से. जस्ट बी काइंड, यही कहना चाहूँगी कि लेट्स ऑल फाइंड काइंडनेस इन आवर हार्ट्स एंड बी गुड, जस्ट बी गुड ह्यूमन बींग्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. थैंक यू. डन. आज तक काफी ले लो फटाफट. हाँ.